और वहीं बढ़ती महंगाई से लोगों में नाराजगी और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को तेल कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी कीमतों में कमी आई है। इस कटौती के बाद यूपी में पेट्रोल 9 रुपए और डीजल करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। नई दरें शनिवार और रविवार की आधी रात से लागू हो गई। कटौती के बाद लखनऊ में पेट्रोल 95.57 रुपए प्रति लीटर और डीजल की बात की जाए तो डीजल देखिए 89.76 रुपए प्रति लीटर को की दर पर पहुंच चुका है। में लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों से बढ़ती लगातार जनता जहां त्राहिमाम कर रही थी, तो वहीं केंद्र सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया। बात करें तो एक्साइज ड्यूटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 8 रुपया जो है पेट्रोल के दामों में, तो वहीं 6 रुपया डीजल के दामों में कम कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो है वो महंगाई की मार जो आम जनता वो लगातार झेल रही थी, ऐसे में अगर बात करें तो अब राजधानी लखनऊ में लगभग 96.53 रुपया पेट्रोल और उसके साथ साथ 89.77 रुपया डीजल हो गया है। कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी सहूलियत देने का काम जो है वो सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो है आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी आ रही थी, ऐसे में ये बड़ी गिरावट जो है वो देखी गई है। क्या नाम है? अल्ताफ। अल्ताफ, ये बताइए, पेट्रोल और डीजल के दामों में आज से जो है वो गिरावट जो है वो दर्ज की गई, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये अच्छा काम है सरकार का। अच्छा जी, लगातार महंगाई की मार थी, ऐसे में डीजल के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम कम हुए जी, ये अच्छा काम है बता रहे हैं। इसी तरह गैस के भी कम कर देने चाहिए जी। क्या नाम है आपका? इमरान सर। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आज जो है वो शुरू हो गई है, कम हो गए हैं दाम, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या बताएं सर, महंगाई की मार थी लगातार जो है, ज़्यादा पेट्रोल डलाने के बाद मालूम नहीं चलता था, अब 5-6 रुपये और लगभग जो 8 रुपये की कमी डीजल में 8 रुपये की और पेट्रोल में जो है कमी की गई, क्या कहेंगे? जितना सही कम करेंगे सर उतना सबके लिए सही रहेगा। क्या नाम है आपका? आजम खान। आजम जी, डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी गिरावट जो की गई आज से लागू भी कर दी गई है। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे? ठीक है भाई, सरकार ने किया है तो सरकार ने बढ़ाया था, सरकार ने डाउन किया तो उसमें क्या हम क्या कह सकते हैं। नहीं, एक पॉकेट पे बड़ा जोर पड़ रहा था, कुछ लग रहा है कुछ राहत दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। नजीर जी, ये बताइए, जो पेट्रोल और डीजल के दामों में आज से जो गिरावट है वो लागू वो शुरू हो गई, रेट कम हुए हैं, पॉकेट में जिस तरह से लगातार बोझ था, कहीं ना कहीं 8 रुपया और 6 रुपया की जो कमी गिरावट की हुई है जी, उसको कैसे देखते हैं आप? उससे बहुत फायदा है, आम जनता जो परेशान थी, रोज आने जाने में दिक्कत हो रही थी, हम लोग को सोचते थे कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, इस वजह से अब 8-9 रुपए जो कम हुए हैं, कम ही रहे, अब ये नहीं है कि इसके बदले 20-25 बढ़ा दें, भाई कम रहेंगे सभी को आसानी रहेगी, जो लोग आने जाने वाले ऑफिस वाले, हम लोग फील्ड वर्क वाले काम करने वाले हैं। पहले कितने का डलाते थे पेट्रोल? पहले 108 रुपए में था एक लीटर, अपना 96 में 96.96 रुपए। हाँ, अब थोड़ा सा तो राहत मिली है, थोड़ा सा राहत जी, ये राहत लागू रहे, राहत लागू रहे मतलब बढ़े ना। लगातार जिस तरह से बात कही जाए तो आम जनजीवन के लोगों में इस तरह की जो जिस तरह से रेट सरकार ने कम किए हैं उससे खुशी का माहौल है, और जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दामों से कम होने से जो आम व्यवस्था है यानी आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर कहीं ना कहीं काफ़ी खासा असर देखा जा रहा है। और ये जो जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद अगर बात करें तो ऐसे में जहाँ पॉकेट पे भी कम असर पड़ेगा और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर भी माना जा रहा है आने वाले समय में जो है वो कम असर पड़ेगा, और ऐसे में जो लखनऊ वासी हैं वो भी इस तरह की चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरा अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी लखनऊ। पेट्रोल और डीजल का दाम कम किया गया है, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके इसका दाम घटा दिया है, जिसके चलते जनता यहाँ काफ़ी राहत महसूस कर रही है। हम इस समय पेट्रोल टंकी पे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे तेल भराने आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे जो इसका पेट्रोलियम का दाम, पेट्रोल डीजल का कम किया गया है, उसे उनको क्या राहत महसूस हुई है। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। पेट्रोल का दाम 9.5 रुपया, डीजल का दाम 7 रुपया कम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी राहत मिली है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा राहत मिल गई हम लोगों को, और क्या, अब तो घर पे राशन फ्री आने लगेगा। अब नहीं, जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर लिए हैं उनको 200 रुपये केंद्र सरकार कह रही है सब्सिडी देंगे, ऐसे में आप क्या कहेंगे? 5,000 रुपये लेकर
5000 फ्री लेकर और 200 रुपए देने से क्या लाभ है? कोई लाभ है इससे? डीजल पेट्रोल का दाम कम हुआ है, इससे राहत हुई है? हाँ, कुछ तो राहत हो ही गई है। उपभोक्ता हैं, यहाँ पे आए हैं तेल भराने, उसे जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विजय मिश्रा जी। विजय मिश्रा। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल का दाम 9.5 रुपया, डीजल का दाम 7 रुपया कम किया है, आप क्या महसूस करते हैं? महसूस किया, थोड़ा सा राहत तो है ही पहले से, लेकिन ये बार बार प्राइस को कंट्रोल करके रखना चाहिए। पेट्रोल टंकी पे जो तेल भरते हैं वो भी हैं, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। ये जो पेट्रोल का दाम कम किया गया है और डीजल का दाम कम किया गया है, क्या राहत महसूस करते हैं आप? एकदम बढ़िया राहत महसूस कर रहे हैं, ये होना जरूरी था जी। इससे जनता को राहत मिली है काफ़ी। इधर काफ़ी दिनों से दाम बढ़ रहे थे, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम दिनों दिन 80 पैसा 40 पैसा से बढ़ रहे थे, इससे काफ़ी परेशान रहे। हाँ, लोग काफ़ी परेशान। कल से जो दाम घटाया गया है, कितना इससे लोग काफ़ी खुश हैं कि पेट्रोल का दाम 9.5 रुपया कम होने से, डीजल का दाम 7 रुपया कम होने से जनता काफ़ी राहत महसूस कर रही है। लोगों ने कहा है कि सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है, खासकर आम जनता को जो खेती किसानी करते हैं, किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। यहाँ के लोगों का मिली जुली प्रतिक्रिया इस पर आया है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम घटाकर, और जो गरीब उज्ज्वला योजना की जो पात्र महिलाएं हैं, 200 रुपये जो सब्सिडी देने की बात कही है, ये बहुत अच्छी खबर है। जनता टीवी के लिए अयोध्या से वास्तु यादव। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।